हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, प्यारे होंगे। अब गाइस गुड मॉर्निंग नहीं हो रहा है, शाम का टाइम। तो गुन्नू ने बहुत डिमांड करी है कि मेरे लिए बुआ दाल चावल बनाओ, क्योंकि अब वो आगरा शिफ्ट होने वाली है पढ़ाई के लिए। किट्टू भी कर रही थी, कृपया किट्टू चली गई, अब घर में कोई नहीं है। समय मैं, चुन्ना और एक दो बच्चे और हैं, तो घर खाली सा हो गया है। तो चलो मैं उनकी डिमांड पर बना रही हूँ, किट्टू जब आएगी तब उसके लिए बनाऊँगी। तो ये मैंने दाल ना धो के मतलब भिगो दी है मैं, क्योंकि ऐसे तुरंत नहीं बनाती हूँ। चावल हो या दाल हो, 8-10 बार वॉश करके फिर उनको आधा 1 घंटे भिगोती हूँ। ये देखिए मैंने ना दाल का सारी चीज़ें डाल के इसमें मसाले वसाले डाल के बनाने रख दे रही हूँ, क्योंकि सभी लोगों की मतलब बन रहा है तो थोड़ा तो है नहीं, ज़्यादा है तो टाइम लगेगा। अब दाल बन गई है तो मैं इसमें लगा रही हूँ गर्म गर्म तड़का घी का, क्योंकि मुझे घी का ही तड़का पसंद है। तो गाइस ये देखिए दाल बन चुकी है, अब दाल बन चुकी है। गैस मैंने यह देखिए चावल भी बनाने रख दिए हैं, क्योंकि चावल एक साइड बनते रहेंगे क्योंकि उनमें भी टाइम लगता है। काफ़ी बड़े कुकर में रखे हैं तो साइड में मैं लगा रही हूँ। ये देखिए कुक चावल बन रहे हैं, साइड में मैं लगा रही हूँ तड़का। और तड़के में मैंने प्याज, लहसुन, धनिया, हरी मिर्च, मैं लहसुन का तड़का बहुत पसंद करती हूँ, मेरे को नॉर्मल नहीं पसंद है। और मुझे दाल ना थोड़ी मैश्ड दाल पसंद है, जैसे कि लोग खाते हैं वो कच्ची सी दाल या तुरंत एक दो सीटी लगा के निकाल लेते हैं, मुझे पसंद नहीं है, मेरे को घुली हुई दाल पसंद है। तो ये देखिए लास्ट मेरा तड़का बन गया, मैंने इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया रेड चिल्ली का पाउडर, जिससे थोड़ा सा कलर आ जाता है दाल में। टमाटर वगैरह काफ़ी अच्छे से डाल दिए हैं, तो अच्छा सा तड़का रेडी है खाने के लिए। अब ये मैंने इसमें तड़का लगा दिया है और चावल भी बनने ही वाले हैं, क्योंकि और कोई है नहीं घर में तो अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप ये सब करना तो है ही। मतलब मैं एक्चुअली मैं कभी कभार ही बनाती हूँ ऑन डिमांड पे, नहीं मैं वैसे मेरा मन नहीं करता ये सब करने का, बट जब बनाती हूँ तो बहुत जल्दी बना लेती हूँ, मुझे टाइम भी नहीं लगता कितना भी हो। मैं पता है काम से नहीं घबराती, बस मेरा मूड अच्छा होना चाहिए, डिपेंड करता है ये सब। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं है ये, गुड इवनिंग है, क्या करूँ आजकल पता नहीं मुझे क्या हो गया, ब्लॉग बनाने का मन बहुत कम सा करता है। इसका कारण पता है क्या है गाइस, सब्सक्राइबर बढ़ते काम है कटते जाता है, तो मेरा फिर डीमोटिवेट हो जाता है मन, फिर मेरा मन नहीं करता है। ये देखो गुन्नू अपनी पढ़ रही है, एक दो दिन में ये भी चली जाएगी, इसको लास्ट आज दाल चावल खिला दूँ। तो आज शाम के 6 बज रहे हैं तो मैं बना रही हूँ दाल चावल, तो बस प्रिपरेशन कर आई हूँ, जैसे ही बनते हैं वैसे मैं दिखाऊँगी। अब गुन्नू फिर पता नहीं कब खाएगी मेरे हाथ का, है ना गुन्नू? जब तक चावल बन रहे थे मैं थोड़ी देर गुन्नू के पास बैठ गई थी, अब चावल भी रेडी हो चुके हैं। ये देखिए गर्मा गर्म राइस है, काफ़ी सारे बने हैं, जिसको जितना खाना है भर भर के खाओ, कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने अपनी प्लेट लगा ली है और मैं आ गई हूँ अपने रूम में। गुन्नू वगैरह को मैं बोल आई हूँ कि वो जल्दी से आ जाएँ, तो मैं तो प्याज वगैरह से ही खाती हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद है प्याज वगैरह डाल के, और नींबू स्प्रिंकल करके प्याज मुझे बहुत पसंद है, मैं नॉर्मल नहीं खाती हूँ। तो आप भी सभी खा लीजिए गाइस, क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं तो खाती ही रहती हूँ, मतलब खाती नहीं रहती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे नींबू स्प्रिंकल कर दिया है, अब इसके बाद थोड़ी देर में शायद गुन्नू भी आने वाली है तो साथ मिलके खाएंगे, तब तक मैं आपको खिला देती हूँ। तो ये लीजिए मेरी तरफ से एक बाइट आपके लिए, दाल नहीं आ रही है उसमें ट्राई कर रही हूँ बार बार कि जल्दी से दाल आ जाए, तो आप भी खा लीजिए सभी। तो अभी देखिए थोड़ी देर में गुन्नू उन्नू आ जाएंगे तो साथ मिलके खाएंगे। इसी के साथ ये देखिए हमारे दाल चावल, देखिए गाइस ये गुन्नू खा रही है दाल चावल, ये चुन्ना खा रही है दाल चावल। वैसे गाइस ना बहुत गलत हुआ, किट्टू ने बहुत डिमांड करी थी 2 दिन से मेरे से। इसी के साथ ये रात हो चुकी है, हम खाना खा रहे हैं, इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गुड नाइट। एंड गाइस मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइज, सपोर्ट मी, क्योंकि एक तो मैं आजकल बहुत डीमोटिवेटेड चल रही हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ते कम है घटते ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय बाय।